हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो और ये है आपके लिए फेब्रुअरी लव और वर्क फोरकास्ट फॉर कैंसर्स। जी हाँ, अगर आपका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन कैंसर में है, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी कैंसर को जानते हो, क्रॉस वॉच कर सकते हो फ्रेंड्स, उनके लिए ये रीडिंग। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstero.com। फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटी दबा दो ताकि आप विन कर सको फ्री रीडिंग्स। हर मंथ कोई पर्सन विन करता है फ्री रीडिंग्स, बट वही करते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो फ्रेंड्स। फेब्रुअरी की चार्म्स और ढेर सारी रीडिंग्स मैंने की हैं, वो भी आप देख लो इस चैनल पे, दूसरी चैनल पे। सॉरी फ्रेंड्स, कैंसर्स, चलिए आपका थीम देखते हैं फॉर द मंथ फॉर कैंसर्स। वाह, द एम्परर बहुत पावरफुल एनर्जी में है फ्रेंड्स। आप लोग ये देखिए, चार्ज लीडरशिप की एनर्जी है इस मंथ। कैंसर्स, आप जो है अपने इमोशंस के बजाय दिमाग से सोचने वाले हो, लीड करने वाले हो और जॉब वगैरह और करियर में सक्सेस आ रहा है। आई ऑल्सो फील के ये मंथ आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और आप उस पर यू नो एक्शन लोगे, एक स्ट्रॉन्ग विल से काम लोगे। कहीं ना कहीं आप लोग खुश नहीं हो चीज़ें जैसी चल रही हैं कैंसर्स, उनसे कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं लाइफ में या आपको चेंज की ज़रूरत है। सो कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे यू नो आप कहीं से खुश नहीं हो, चीज़ें हैं पर आप खुश नहीं हो, जैसे आपके पास चार कप हैं पर आपको किसी और चीज़ की तलाश है। सो आप उन चीज़ों की तलाश में इस मंथ निकल जाओगे। आप अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही है अपनी लाइफ से तो आप उसको खोजने के लिए निकल जाओगे, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी कैंसर्स। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की एनर्जी में हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और थीम ऑफ द मंथ फॉर कैंसर्स जस्टिस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है बैलेंस में नहीं है तो फेब्रुअरी में आप उसे बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश करोगे। ऑल्सो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से इसलिए दूर थी क्योंकि सही टाइमिंग नहीं थी या किसी ने आपको हर्ट किया था, तो इस मंथ जो है आप उससे रिकवर कर पाओगे। पैसे नहीं आ रहे थे, आ जाएंगे इस मंथ। सो देर इज़ दिस एनर्जी के कुछ चीज़ें आपके हाथ से रुकी हुई थी कैंसर्स, या आपके रास्ते से रुकी हुई थी क्योंकि डेस्टिनी उन्हें रोक रही थी आपसे, बट अब आप उन रस्तों पे जाने के लिए फुल्ली रेडी हो कैंसर्स। सो बहुत पावरफुल मंथ है, कार्मिक मंथ है, कार्मिक आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डेस्टिनी आपको एक अलग दिशा में ले जा रही है और इस मंथ आपको बोल्ड होना पड़ेगा कैंसर्स। मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि कैंसर्स बहुत स्वीट होते हैं, पोलाइट होते हैं, केयरिंग होते हैं, मदर वाली एनर्जी रखते हैं, यू नो द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उनमें बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत ज़रूरी भी होती है। लेकिन इस मंथ जो है फ्रेंड्स, आपको बोल्ड होना है, पैशनेट होना है क्योंकि चेंजेस आपको लाने हैं अपनी लाइफ में और ये चेंजेस आपके लिए डेस्टाइंड हैं। हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप से या मैरिज से वॉकआउट करें जो कि आपके लिए सही नहीं थी, अब्यूसिव थी, या आपको जैसे किसी ने पहले हर्ट किया, आप उससे रिकवर करोगे। अगर आप लीगल इश्यूज में थे, वहाँ पे विक्ट्री का चांस है आपके लिए, आपको सक्सेस मिलेगा, आपके फेवर में होंगे जो भी कुछ होगा, लेकिन आपको बोल्ड रहना पड़ेगा कैंसर्स। सो लेट्स सी योर लव लाइफ। Cancers, their love life for February. The high row, the high priest, the three of wands. Ji haan, as expected. The knight of cups. Cancers, their love life. The queen of pentacles, the death, the two of wands, ace of wands. Four of Wands, Two of Pentacles, and the Six of Cups. The Ace of Swords, the Two of Swords, the Knight of Swords, and the
फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं कैंसर्स आपके लिए. आप स्टार्ट कर रहे हो मंथ को, आप अपने फ्यूचर को देखते हुए आप फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हो. आप सोच रहे हो कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो आप कहाँ जाओगे, आप कुछ और डिसीजन लोगे तो आप कहाँ क्या करोगे. आई फील कैंसर्स आपको एक प्रॉब्लम है फेब्रवरी फर्स्ट वीक में कि आप किसको फॉलो करो, ट्रेडिशन को या दिल की सुनो. आप वो करो जो सब कर रहे हैं या वो करो जो आपको करना चाहिए. तो डेस्टिनी और धर्म के बीच में एक संकट है. धर्म इन द सेंस कि आप क्या करो, जो आपको करना चाहिए आपको वो करना है या जो आपको डेस्टिनी जिस राह पे आपका दिल ले जा रहा है वो करना चाहिए. आई फील आप वो करना चाह रहे हो जिसमें एक्सपेंशन है, नया है, डेस्टिनी आपको जिधर ले जा रही है. आई डू फील आप किसी के साथ ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर रिलीजन कल्चर का डिफरेंस है और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे एक्सपेंड करो या कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ. ऑल्सो हो सकता है आप दोनों अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है. सो काफ़ी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि आप दिल की सुने या आप वो करें जो आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में, जो लॉजिकल है. नाइट ऑफ कप्स, आई डू फील आप किसी को मैसेज करना चाहते हो, उनसे बात करना चाह रहे हो, आप तड़प रहे हो कैंसर्स उनसे बात करने के लिए. दूर रहते हैं वो पर्सन लेकिन आपके एथिक्स या कोई चीज़ जैसे फैमिली है या ट्रेडिशन है, कल्चर है, डिस्टेंस है, वो आपको रोक रही है कैंसर्स, एंड दिस इज़ सो बैड. लेकिन सेकेंड वीक काफ़ी अच्छा रहेगा कैंसर्स आपके लिए क्योंकि कोई कैप्रिकॉर्न वर्गो पर्सन इम्पॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस पर्सन. आई डू फील ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आई डू फील अगर आप सिंगल हो तो शादी के चांसेस हैं आपके इस पर्सन के साथ इन द फ्यूचर या इस मंथ. ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन मैरिज प्रपोजल से आ रहे हैं आपकी लाइफ में. ऑल्सो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपको समझ जाएंगे, आपकी बात समझ पाएंगे. आई डू फील फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कैंसर्स आपकी लाइफ में. आई डोंट नो वाई आई सेड स्कॉर्पियो लेकिन हो सकता है कोई स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए. और डेथ की एनर्जी स्कॉर्पियो एनर्जी है फ्रेंड्स. आपको चेंज चाहिए और आप लेके आओगे सेकेंड वीक में वो चेंज. हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप छोड़ के किसी और पर्सन के पास मूव करो या आप कोई रिलेशनशिप को चेंज करके उसको उसमें कुछ चेंज लाना चाह रहे हो. जैसे मैरिज में आप कुछ एंडिंग्स करके कुछ नई शुरुआत चाहते हो. सो बहुत कुछ हो रहा है फ्रेंड्स कैंसर्स आपकी लव लाइफ के अंदर इस मंथ. ये देखिए आपको बैलेंस रहना है सेकेंड वीक में, मैच्योरिटी से काम में लेना है और एक्साइटमेंट बहुत है. एंडिंग्स और नई शुरुआत है आपके लिए सेकेंड वीक के अंदर डेफिनेटली. सो आई डू फील कि जो पर्सन आपके साथ हैं या जो भी आ रहे हैं वो आपको समझ पाएंगे कैंसर्स. सो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ एन एंडिंग एंड अ न्यू स्टार्ट इन द सेकेंड वीक. इन द थर्ड वीक अगर आप बात करो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हैं. आप उनसे बात करोगे, शादी मोहब्बत और इन सब के बारे में बात होगी. एक रीयूनियन है, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं. आपका थर्ड वीक काफ़ी अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत की बातें रहेंगी और आप लोग दिल खोल के अपने बारे में बात कर पाओगे, पुरानी बातें और पुरानी जो भी चीज़ें हैं और प्यार बढ़ेगा थर्ड वीक के अंदर. आई स्टिल फील कि आपको एक्साइटमेंट बहुत रहेगा थर्ड वीक के अंदर कैंसर्स. बट आप स्टिल आप जगल कर रहे हो जैसे दो रिलेशनशिप्स या दो चीज़ों को आप जगल कर रहे हो कि जैसे आपकी बातें तो शुरू हो गई लेकिन आप कमिट कर पाओगे या नहीं, शादी हो पाएगी कि नहीं, फिर भी आप डबल माइंड्स में हो थोड़ा सा, आप जगल कर रहे हो. हो सकता है आप मैरिड हो लेकिन आपके ट्विन फ्लेम हैं तो आप उनसे बात कर रहे हो कैंसर्स. ऑल्सो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम मैरिड हैं बट आप स्टिल उनसे बात कर रहे हो. सो कुछ जगलिंग की एनर्जी है लेकिन ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ गुड. फाइनल वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. आई डू फील कैंसर्स आपको ब्रेक थ्रूज मिलेंगे. जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, जो सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे हैं, वो डेस्टिनी आपको लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में दिखाएगी. चांसेस हैं कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव आउट करोगे या शादी से, या आपको क्लियर एक मैसेज मिल जाएगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है अपनी लाइफ में या इस कनेक्शन में. आई डू फील सेकेंड वीक में कुछ धमाके लग सकते हैं फ्रेंड्स, आपको झटके लग सकते हैं अगर आप स्पेशली मैरिड हैं तो थोड़ा सब्र रखें. फाइनल वीक जो है वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको, जो भी चॉइसेस या कन्फ्यूजन्स हैं उनसे रिलीफ मिलेगा. आपको डेस्टिनी खुद दिखाएगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी पर्सन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी. एंड आई डू फील फ्रेंड्स के
हो सकता है ये पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं दिखाते लेकिन प्यार बहुत करते हैं. सो लेट मी जस्ट टेक अ क्लैरिफायर. कैंसर्स बहुत कुछ हो रहा है आपके इस मंथ के अंदर. ये देखिए आप, ये पर्सन आपके पास से हैं फ्रेंड्स, ये देख आर क्राइंग ओवर यू एंड आई डू फील ये टाइम है अब आपका, आप दोनों को साथ आना चाहिए, बात करनी चाहिए और आप प्यार बहुत है और कुछ डिवाइन होगा लास्ट मंथ में जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी या सॉल्यूशन मिलेगा कि इस रिलेशनशिप को कैसे, ये जो रायता फैल गया ऐसे कैसे ठीक करना है. सो आई डू फील कुछ एंडिंग्स भी हैं और कुछ एक न्यू बिगिनिंग भी है. चलिए आपका एडवाइस देखते हैं फिर वर्क और करियर देखेंगे. कैंसर्स अवेटिंग रिजल्ट्स. जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पेशेंस रखना है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और यही रास्ते आपको आपके प्यार या ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ लेके जाएंगे या शादी की तरफ. सो गेट रेडी, शेयर योर लव. थ्री ऑफ कप्स. जी हाँ, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं कैंसर्स. नहीं भी कर रहे हो तो फेब्रवरी में कर सकते हो. कोई आ रहा है आपके लिए थर्ड ट्राइंगल के अंदर, तीसरा आदमी, तीसरा इंसान, कोई तीसरी सिचुएशन, तो गेट रेडी. लेकिन ऑल्सो कोई सेलिब्रेशन भी आ रहा है, कोई रीयूनियन आपके पर्सन के साथ, उनका मैसेज आपको खुशी देगा या आप उन्हें मैसेज करेंगे. एम्प्रेस द नर्चर की एनर्जी. जी हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है देर इज़ अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ. ऑल्सो हो सकता है कि शादी को लेके या बच्चों को लेके, यू नो, फैमिली बनाना है, ये सब चीज़ें हो सकता है. आप लीगल इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, ओवर कस्टडी वगैरह, तो वो चीज़ें भी हैं, पर आपको हेल्प मिलेगी कैंसर्स. सो लेट्स सी व्हाट एल्स इन योर वर्क एंड करियर. कैंसर्स देयर वर्क एंड करियर. आपकी खुद की, वाओ ये देखिए, अगेन ये देखिए कपल आया है फ्रेंड्स, द किंग एंड द क्वीन ऑफ कप्स. वाओ दिस इज ब्यूटिफुल. ऑलराइट, ओ माय गॉड, पार्टनरशिप यहाँ पे भी आई है. सो आई डू फील फ्रेंड्स, थोड़ी सी एनजाइटी है आपको फेब्रवरी में कि आपका काम कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा. सो आप काफ़ी थोड़े से चिंता में हो, क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ. आई डू फील आप लोग, हो सकता है वर्ल्ड, कहीं आप बाहर पढ़ना चाह रहे हो उस वजह से आपको टेंशन है, कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो, उस चीज़ का वेट है, न्यूज़ का, मैसेज का, या आप अब्रॉड वर्क करना चाह रहे हो, या वीज़ाज, या यू नो आप कहीं किसी और सिटी कंट्री में वर्क करना चाहते हो, वहाँ से आपको वेट है कि कब चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, कब आप जा पाओगे, इसलिए आपकी चिंता है. ऑल्सो आपको आपका जो काम है वहाँ काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है. सो ये अच्छा एनर्जी है कैंसर्स आपके लिए. ऑल्सो अगर आप सिंगल हो, प्यार के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं आपके वर्क से मिलेंगे और आपको बहुत सपोर्ट है इस मंथ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. ऑल्सो मुझे लग रहा है आपका लाइफ पर्पज़ है किसी पर्सन के साथ, सो वो आपको मिलने वाले हैं. हो सकता है अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको सही तरह के लोग मिलेंगे जिनके साथ आपको फ्यूचर में सक्सेस और फेम मिलेगा. सो आपकी चिंता जायज़ है लेकिन आपकी चिंता को रिलीफ मिलेगा इस मंथ. आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे. और ये देखिए टेन ऑफ कप्स. जी हाँ, काफ़ी सक्सेस मिलेगा आपको और इमोशनली आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे अपने काम को लेके. आई फील के फ्रेंड्स, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स इस वर्क, इस मंथ. यू नो आपको बहुत, आपको इमोशनल नहीं रहना है वर्क में, आपको एक एम्परर की तरह रहना है, लीड करना है, बोल्ड रहना है अपने वर्क में और स्टडीज़ में. तो ऐसा नहीं हो कि कहीं आप अपना बहुत दिलदार हो गए तो आपने सबका काम कर दिया पर आप अपना पढ़ना भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है. और आप कर सकते हो ऐसा कैंसर्स, क्योंकि ऐसी लग रही है एनर्जी कि आप सबकी हेल्प करते जा रहे हो पर अपनी खुद की नहीं कर रहे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल और कनेक्टेड एनर्जी में. आपका मन कर रहा है कि आप सबको देते जाओ, गिव करते जाओ, बट थोड़ा उसको बैलेंस करना है क्योंकि यू हैव टू बी दिस एम्परर. ये आपकी एनर्जी है इस मंथ. तो अगर आप एम्परर अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे वर्क में और करियर में तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बाकी सपोर्ट बहुत है आपके लिए. लेट्स सी सम अदर मैसेजेस. एडवाइस फॉर ब्यूटीफुल कैंसर्स. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए व्हील आगे बढ़ रहा है, लाइफ आगे बढ़ रही है आपके लिए. डेस्टाइन चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, लक आ रहे हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है फ्रेंड्स. ब्रेक थ्रूज, जिस न्यूज़ का, मैसेज का वेट है वो जल्दी आने वाली है. जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होएंगे. सक्सेस मिलेगा, जी हाँ, बहुत सारा, ढेर सारा. एट अगेन डेस्टिनी का नंबर. टेन अगेन न्यू स्टार्ट. वन अगेन अ न्यू स्टार्ट. बहुत सारी न्यू स्टार्ट. बहुत ही डेस्टाइन मंथ है कैंसर्स. मुझे ज़रूर बताइएगा आप कि क्या हुआ आपका इस मंथ. ओ माई गॉड, जून इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है बहुत कुछ होने वाला है आपका. बिल्कुल आपको जो भी
चीज़ें रोकी गई थी डेस्टिनी से आपके लिए, वो सब मिलने वाला है या मिलना शुरू हो जाएगा। आप उसको अचीव करने के बिल्कुल क्लोज हो। जून इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स। जून कोई बॉर्न हो सकता है। व्हील लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज़ कमिंग फॉर यू। वल्चर, डिप्रेशन, एनजाइटी, समवन माइट बी अगेंस्ट यू। हाँ, थोड़ा सा आपको वर्क को लेके आप एंशियस हो। ऑगस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अ यंगर वुमन इज़ इम्पॉर्टेंट। मार्च इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जून है, मार्च है और ऑगस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस है, उथल पुथल मची हुई है। सो थोड़ा सा प्लान करके रखें। टेम्प्ररी है लेकिन ये सब चेंजेस, तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं। स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड। स्लो एंड स्टडी रखें अपने मंथ को। ज़्यादा जल्दबाजी, कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। Someone will gossip about your secrets, parrot. काफ़ी लोग gossip या बातें कर रहे हैं आपके decisions की या आपके choices की, but it doesn't matter friends. अगर आप सही काम कर रहे हो तो वो सही है। Great worry over nothing. Great passion, tulip. जी हाँ friends, I do feel आप किसी ऐसे choice में फंसे हुए हो कि किसको accept करें, घर वाले बोल रहे हैं वो या जिसको हम चाह रहे हैं वो। Heartache over what you no longer have. कोई person आप बहुत miss कर रहे हैं उन्हें या वो आपको miss कर रहे हैं। Scissors, disappointment in some affair. जी हाँ friends, आप थोड़े से तो disappointed हो अभी भी। Life में कुछ change करना चाहते हो और आप कर पाओगे successfully achieve उसको in February. So very happy February cancers. Magic Wednesday, रोहिंदी को subscribe, like, share कर लो। अभी के लिए bye.